नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के बंद होने पर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में भी दूसरे दिन भी चिकित्सकों ने अपनी पेन डाउन हड़ताल जारी रखी और सुबह 11 बजे तक ओपीडी में कामकाज को ठप रखा है, जिसमें चलते हमीरपुर डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक के दूसरे दिन भी सुबह से लेकर 11 बजे तक मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा और लंबी लंबी कतारों में लगकर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष शर्मा के साथ साथ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट SCA के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर SCA प्रेसिडेंट प्रशिक्षु डॉक्टर शालिनी शर्मा का कहना है कि सरकार ने NPA को वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे मेडिकल स्टूडेंट का मनोबल बेहद कम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज दूसरे दिन भी कॉलेज के छात्रों ने पेन डाउन हड़ताल में हिस्सा लिया है और मांग की है कि 24 मई को NPA के संबंध में नोटिफिकेशन निकाली है जिसे वापस लिया जाए। शर्मा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, जिसमें पूरे स्टूडेंट्स थे, हमारे पूरे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स थे, जिसमें हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो उन्होंने हाल ही में 24 मई को नोटिफिकेशन निकाली थी NPA विथड्रॉल की, उसे जल्द से जल्द वापस ले लें। इससे स्टूडेंट्स का काफी मनोबल कम हो रहा है, वे काफी हतोत्साहित हो रहे हैं और ये हम नोटिफिकेशन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी से फर्दर नोटिस नहीं आ जाता। सरकार ने जो है पिछले 4 महीनों में 4 नोटिफिकेशन जारी की है, जो कि मेडिकल फैकल्टी के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा NPA का है, जो कि हमारे नए डॉक्टरों को नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा डॉक्टर की डिग्निटी का है, जो डॉक्टर इतने सालों की मेहनत के बाद, इतने फील्ड में जॉब करने के बाद प्रिंसिपल लेवल में पहुंचते हैं और आप एकदम से एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि उनकी जो है फाइनेंशियल पावर है, उनकी जो सबॉर्डिनेट को छुट्टी देने की पावर है, ये MS की पावर है, वो जो दूसरे जूनियर अधिकारी को दे दी जाती है। तो इस तरह की नोटिफिकेशन का जो है हमारी जो ज्वाइंट एक्शन के भरपूर विरोध करती है और हमारा सरकार से आग्रह यही है कि जो पिछले 4 महीनों में जो 4 नोटिफिकेशन डॉक्टरों के अगेंस्ट हुई है, सरकार जल्दी से जल्दी उन नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें और मॉडिफाई करें, ताकि जो है हम अपने जो एजुकेशन को ख़त्म करें और लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको जो है जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके। आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए वो इस संदर्भ में है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें जो नए चिकित्सक रखे जाएंगे उनका NPA जो है वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और हम इस निर्णय की प्रार्थना करते हैं और हम एज अ एसोसिएशन और विद ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कि बनाई गई है इस संदर्भ में पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो ये निर्णय लिया गया है उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे तो अभी तो हम, जैसा कि हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो स्टेट लेवल पर बनी है, उसी के अकॉर्डिंगली जैसा वो हमारे को निर्देश देंगे हम करेंगे। अभी हम 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके बाद जैसा उनका निर्णय होगा हम उसी प्रभाव से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। सर, ये स्ट्राइक कब तक चली रही है आपकी? ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि वो हमारी मांगों को कब तक मानेगी। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।